फिर हमने अपने लेवल के ऊपर जिस तरह इन्वेस्टिगेशन भी की भी कहाँ वो कौन से होटल में रुके थे, शाम को क्या कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और हमें ये जानकारी दी गई थी सुबह 8:30 बजे हमारे पास फोन आया था कल उनके पीए का सुधीर सांगवान का, वो उन्होंने ऐसी जानकारी दी कि यहाँ कोई फिल्म का शूट था और उसके लिए हमारी टीम आई हुई है 4-5 बंदों की सोनाली जी के साथ में, और शूट के दौरान उनकी अचानक मौत हो गई है। काफ़ी टाइम से 2.5-3 महीने हो गए हैं, जिस तरह मेरी माताजी इशार गई हुई थी उनके पास, तो जिस तरह इनके पीए हैं सुधीर सांगवान, तो इन्होंने अपने बेस के ऊपर वहाँ कुक था उनका, तो सोनाली जी का तो कुक की छुट्टी कर दी कि नहीं जो है वो मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा जो भी है खाने का है बाहर से होगा यहाँ से, तो उसने उस टाइम में शाम के टाइम में खीर बना के दी थी मेरी माताजी को और सोनाली जी को। तो मेरी माताजी तो नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और सोनाली जी खीर खाने के बाद में मेरी माताजी को बोलती है कि मेरे हाथ पैर हैं जो जवाब दे रहे हैं, मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा शरीर टूट रहा है। उनको फीवर नहीं था और ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बाद में धीरे धीरे जब भी जिस तरह बातचीत होती है परिवार में, और तो शाम के टाइम में फ्री होती थी, दिन में पार्टी के कार्यक्रम हैं और है, तो शाम को जब भी बातें होती माताजी के साथ में बहन के साथ में, तो वो उन्हीं बातों को रिपीट करती थी बार बार कि ऐसा लगता है जिस तरह सुबह का मैं खाना खाती हूँ तो फ्रेश होती हूँ, सब कुछ सारा सिस्टम सही है, लेकिन शाम का जो कोई भी चीज़ मैं खाती हूँ, खाना मेरे को खिलाया जाता है, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सारा बदन टूट रहा है और मेरे से बेड से हिला नहीं जाएगा।